हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर है। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में थोड़ा समझानेंगे यहाँ पे। और 1.1 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें टू फाइंड द एचसीएफ। किसको फाइंड करने के लिए? एचसीएफ को फाइंड करने के लिए किसका? इन नंबर्स के। पहला क्वेश्चन है 135, 225 एंड 225। सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 867 एंड 22255। सॉरी, अब इसको कैसे फाइंड करें? अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो एचसीएफ निकालना हम जानते हैं, अब जो कि हमने छोटी क्लास में किया। आज हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ इस टर्म के बारे में कि भाई व्हाट इज़ द मीन ऑफ एल्गोरिथम। डिवीजन हम नॉर्मली जानते हैं, डिवाइड करना है, यूक्लिड्स क्या है आपके पास, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, जो कि एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन थे, सॉरी, क्या होते हैं आपके पास, एक मैथमेटिशियन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a processor for solving a type of problem. Algorithm क्या है? एक series है उन well-defined steps की, जिनको हम process में इस्तेमाल करते हैं किसी भी problem को solve करने के लिए। Okay? अब तो ये तो algorithm हो गया, but ये Euclid's क्या है? Euclid's division algorithm। उससे पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा यूक्लिड्स लेमा को, क्योंकि जब हम यूक्लिड्स लेमा को बार बार इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अगर हम लेमा को बार बार कंटिन्यूस यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया ये यूक्लिड्स लेमा है क्या। तो यूक्लिड्स लेमा का जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये कुछ नहीं है, ये केवल चेकिंग है डिवाइड की, जो कि हम छोटी क्लास में करते थे कि एक डिवीज़न हमने किया और हम ये चेक करते थे कि हमारा डिवीज़न सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या होता है, जहाँ पे ये जो ए है वो ए के आपके पास डिविडेंट है, बी के आपके पास डिवाइजर है, क्यू के आपके पास क्वेश्चन है एंड आर के आपके पास रिमाइंडर है। वही तो हम करते थे छोटी क्लास में कि भाई डिवाइजर के मल्टीप्लाई क्वेश्चन से करें, उसमें रिमाइंडर प्लस कर दे तो हमारे पास क्या मिलता था? डिविडेंट। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन है, ये कंडीशन में ये कहा गया कि जो रिमाइंडर है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी होगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा कि वो बी के इक्वल हो जाए। बी से क्या रहेगा? हमेशा छोटा। बी क्या था आपके पास? डिवाइजर। तो यानी रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे? डिवाइजर से, और वो इक्वल होगा जीरो के या उससे बड़ा भी हो सकता है। इसके लिए समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि भाई अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करता हूँ तो 2 times मेरा डिवाइड हो जाएगा, उस कंडीशन में मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। अगर 2 से 5 को डिवाइड कराता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बनेगा? 1। अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड कराता हूँ रिमाइंडर मेरे पास क्या बनेगा? 0। और 2 से 7 को डिवाइड कराऊंगा देन मेरे पास रिमाइंडर बनेगा 1। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी मैं इस कंडीशन को समझाने की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास रिमाइंडर या तो 0 बनना है या रिमाइंडर मेरे पास 1 बनना है। अगर मैं 8 को भी 2 से डिवाइड करूँगा नेक्स्ट आगे, तब मेरे पास रिमाइंडर 0 होगा। तो या तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है या रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे, अगर मेरा डिवाइजर 2 था तो रिमाइंडर मेरा कभी भी 2 नहीं आया, रिमाइंडर हमेशा क्या रहा? 2 से कम रहा, या तो वो 0 रहा या 1 रहा। इस तरीके से अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कराऊंगा, तो उस कंडीशन में अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कराता हूं, अगर b मेरा 3 होता है, डिवाइजर मेरा 3 होता है, देन मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या मेरे पास वो 2। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास रिमाइंडर या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा या मेरे पास क्या बनेगा? 2 बनेगा। यानी मेरे पास कहने का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगा अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करा रहे होंगे तो 0, 1, 2, 3। इसी तरीके से अगर 4 से मैं डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता क्या आपके पास 4। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी, और इस लेमा को अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बस अब हम इसी का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम की आपके पास 135 एंड 225, सारी प्रॉब्लम एक जैसी हैं, पहली को हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दोनों को भी हम इसके बाद में करेंगे। तो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है 135 एंड 225। अब यहाँ पे मैं अगर क्लियरली देखूँ तो मेरे पास जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 225, और छोटा नंबर कौन सा? 135। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिविडेंड बनेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के लिए वो 225 बनेगा, और मेरा डिवाइजर क्या बनेगा? 135, क्योंकि 135 छोटा है। मैंने यूज़ किया डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेरे पास वर्ड हो गया तो इसके मतलब एक बात क्लियर हो गई कि मैं एक से ज़्यादा बार यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करने वाला हूँ। तो अब फर्स्ट कंडीशन में कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास डिविडेंड क्या था 225, डिवाइजर क्या था 135। अब इसको कैसे किया जाएगा, हम एक वर्क और साइड में करके चलते हैं इस स्टेप्स को करते वक्त, जो कि हम छोटी क्लास में करते थे कि SCF को फाइंड करना किसके मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो 225 हमारे पास डिविडेंड है और 135 आपके पास डिवाइजर, तो 135 से 225 को आप डिवाइड करेंगे 110, 135 जो 135 रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 90। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्वेश्चेंट हो गया 1 और मेरे पास रिमाइंडर हो गया 90, लेकिन रिमाइंडर भी जीरो नहीं हुआ। ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना चाहिए। अब 90 से हमने किसको डिवाइड किया, 135 को, जो कि पहले डिवाइजर था, अब वो मेरे पास बन चुका है डिविडेंड। तो डिविडेंड मेरे पास हो गया सेकंड स्टेप में, ये फिर से लेमा लगा दी मैंने यहाँ पे, तो 135 मेरा डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया 90, अगेन मैंने कितनी बार डिवाइड किया 190 में टाइम, 90 टाइम कर सकता हूँ, 2 टाइम करूँगा तो 180 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो 90 टाइम, और रिमाइंडर मेरे पास बचता है यहाँ पे क्या 45। ओके, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया, लेकिन रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं हुआ। तो अगेन क्या हुआ, ये रिमाइंडर जो था 45 अब ये मेरा डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले मेरे पास डिवाइजर था अब वो मेरे पास डिविडेंड बन गया। डिविडेंड था 45 से 2 टाइम डिवाइड करा, लेकिन मेरे पास अभी रिमाइंडर क्या बना यहाँ पे, जीरो, वो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। तो हेयर रिमाइंडर मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सो SCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, क्यों, क्योंकि जो लास्ट डिवाइजर था जिसकी वजह से रिमाइंडर आपके पास क्या आया, जीरो आया, वो आपका क्या हो गया SCF। और नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि SCF होता क्या है, SCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस हो गया वो बड़े से बड़ा नंबर या बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 45 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा नंबर नहीं होगा इसके अलावा कि जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में समझ में आया होगा। क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।